कहानी बड़ी बहुत ही आता रहता है सवाल में। और सिक्के को देखो, मैं जरा दूसरे तरह से करता हूं। देखो सबसे पहले एक चीज को देखोगे, यहां क्या बोला है, 378 सिक्के हैं, इस चीज को ध्यान देना होगा। 378 सिक्के हैं, आगे के सवाल को हम समझ लेंगे। तो अब मेरे को दोनों का डिफरेंस, इसमें दो तरह के जो सवाल आते हैं वो आपको दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे वो समझ में आएगा। देखिए 378 सिक्के हैं, जिसके अंदर में 1 रुपया भी है, 50 पैसे का सिक्का भी है, 25 पैसे का भी सिक्का है, तथा इनका मान, मान मतलब कीमत, ये 13 रुपया है। मतलब 13 रुपया के अगर 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, तो फिर 11 रुपये के 50 पैसे के सिक्के हैं, 7 रुपये के 25 पैसे के सिक्के हैं। तो चलो हम पहले 13 रुपये के कितने सिक्के होंगे भैया, तो 13 रुपये के 1 रुपये के 1 सिक्के होते हैं, तो 13 होंगे। 11 रुपये के 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये हम 50 पैसे के सिक्के के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, ये 50 पैसे के बारे में पूछ रहा है, ये 25 पैसे के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और ये 1 रुपये के बारे में पूछ रहा है, यही बोल रहा है ना। तो 13 रुपये के 13 सिक्के हुए, 50 पैसे के 11 रुपये में रुपए के 2 सिक्के होंगे, तो 11 दूनी 22 सिक्के हुए, और 54 बोल रहा है, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में 28 सिक्के हुए। तो देखो ये जो उसने हमें ये दिया हुआ है, इस ये मान दिया हुआ है, कितना का है, 11 7 18, 18 और 13 31 रुपया। तो बोला गया कि 31 रुपए में 63 कॉइन है, लेकिन हमें दिया क्या है, 378 कॉइन, कितना रुपया नहीं बोल रहा है। तो हम रुपए को ध्यान अब नहीं देते हैं, हम सिक्के को ध्यान देते हैं। तो 63 कॉइन में से 50 पैसे के कितने कॉइन है भैया, 22 कॉइन है। तो लिखा 63 कॉइन में 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 22 हैं। तो 378 सिक्के में 50 पैसे के सिक्के कितना होंगे, तो देखो 22/63, या एकिक नियम बार बार बोल रहा हूं, तुरंत क्या हो, नीचे चला जाता है, 22/63 गुना 378। अब 63 से वो काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, 3 6 18 का 8, हाथ मेरा 1 6 6 36 और 1 37। अब 6 को अगर 2 से गुना करोगे, 6 2 12 का 2, हाथ मेरा 1, एक मिनट सॉरी, ये 132 सिक्के होंगे यार, ये गलत है, ये टाइपिस्ट का है, ये 132 सिक्के होंगे, ठीक है। अब देखो सेम सवाल अब किया गया है, तो इसमें बोला गया 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, रुपए इनका मान 2:6:14 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको देखते हुए बड़ा आसान है, देखो अगर थोड़ा सा मैंने फैला के लिखा हुआ है कि समझ में आ जाए, तो आप इसे जरूर करेंगे। करने के बाद देखो सिक्कों के सवाल तो बड़े कॉमन होते हैं, बड़े आते हैं, तो इसे आप जरूर करें, और इसके एक दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, चलिए उस पर जरा नजर डालते हैं।